श्री काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद हम बनारस से निकल गए हैं विंध्याचल के लिए। वहाँ भी माता विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे और अष्टभुजा माता का भी दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। विंध्यवासिनी माता का मंदिर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कि मिर्जापुर से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। माता को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला है। विंध्याचल धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही फेमस शहर है। विंध्याचल पहुंच चुके हैं और अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और ये रोड के दोनों साइड जो है दुकान वगैरह लगा हुआ है, प्रसाद वगैरह लेने के लिए, चुंदरी वगैरह लेने के लिए, और काम भी चल रहा है कॉरिडोर बनने का। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में विवर्णित है कि देवी नंदगोप के घर में जन्म लेंगी और शुम निशुम का वध करने के बाद विंध्याचल पर्वत पे जाकर रहेंगी। यहाँ त्रिकोणा परिक्रमा का बहुत ही महत्व है। जब कोई विंध्यवासिनी देवी मंदिर, अष्टभुजा मंदिर और काली खोह मंदिर में दर्शन कर लेता है तो उसे त्रिकोणा परिक्रमा माना जाता है। मंदिर के बाहर से फूल प्रसाद लेकर हम लोग अंदर कॉरिडोर में जा रहे हैं, उसके बाद मंदिर में जाएंगे। अभी कॉरिडोर का काम इन प्रोग्रेस है। ये जो सामने पीला घर जैसा देख रहे हैं, इसी के अंदर है माता रानी का मंदिर। मंदिर के प्रांगण में पहुंचने के बाद पता चला कि दो लाइन लगी हुई है। एक लाइन जो है वो मंदिर के खिड़की की तरफ जाता है, जिसमें आप माता का दर्शन खिड़की से ही कर सकते हैं, और दूसरा लाइन जो है वो सीधे गर्भगृह में जाता है। तो हम लोग उस लाइन में खड़े हैं और माता का दर्शन अंदर जाकर के करेंगे। मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, पर जहां तक होगा मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। इस लाइन से होकर के हम लोग मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे। माता का दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अष्टभुजा का दर्शन करने। विंध्यवासिनी माता के मंदिर से अष्टभुजा की दूरी करीब 4.5 किलोमीटर की है और 10 से 15 मिनट लग जाता है वहां पहुंचने में। ऐसा माना जाता है कि अष्टभुजा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, जो राक्षस कंस की पकड़ से खुद को छुड़ाने के बाद यहां आई थी। विंध्यवासिनी देवी मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है, काली खोह मंदिर महाकाली को समर्पित है और अष्टभुजा मंदिर महासरस्वती को समर्पित है। मंदिर की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको पहाड़ों पे ये पेड़ पौधे और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिल जाता है। आप मंदिर तक दो तरीके से पहुंच सकते हैं, या तो गाड़ी से पहुंच सकते हैं, गाड़ी की पार्किंग आपको मंदिर के नज़दीक मिल जाता है, या फिर आप रोपवे से पहुंच सकते हैं। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम नीचे चलते हैं अष्टभुजा का दर्शन करने। इन सीढ़ियों से हम लोग नीचे जाएंगे और माता का दर्शन करेंगे मंदिर में। हम नीचे मंदिर में आ चुके हैं और भगवान सबका दर्शन करेंगे। यहाँ प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेकर के मंदिर के अंदर जाएंगे। फूल चुंदरी वगैरह आप बाहर भी ले सकते हैं। ये मंदिर कैंपस में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और ये पूरा जो दृश्य है ये मंदिर का है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो पहले हम माता का दर्शन कराते हैं, उसके बाद फिर और जगह को देखेंगे। ये जो सामने आप द्वार देख रहे हैं, इसी के अंदर है माता। ये यज्ञ हमेशा यहाँ होते रहता है। आगे चल के और भी भगवान का दर्शन करते हैं। ये मंदिर पतालपुरी काली खोहे वाली माता का है, इसके अंदर भी जाके आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बजरंगबली भी है, इनका भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद काल भैरव का मंदिर आता है, आप इनका भी दर्शन कर सकते हैं। एक मंदिर महादेव का भी है यहाँ। और ये रोपवे की लाइन मंदिर तक के लिए, ऊपर मंदिर के प्रांगण से बाहर की खूबसूरती को भी देख सकते हैं।
जो लोग यहाँ पूजा करने आते हैं वो चुंदरी भी यहाँ बांधते हैं। सारे भगवानों का दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं ऊपर। आपको व्यू दिखाऊंगा यहाँ से, ये है नीचे पूरा पहाड़ के, और गंगा नदी भी यहाँ से बहती है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय माता दी।